रीवा जिले की सड़क एक बार फिर खून से रंगी। अनूपपुर से इलाहाबाद जा रही बस गढ़ के पास टिकरी में खड़े ट्रक से टकराई, चालक सहित एक यात्री की हुई मौत, कई गंभीर। घायलों का उपचार संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है, बाकी लोगों को दूसरी बस से इलाहाबाद भेजा गया। रीवा जिले के इलाहाबाद रोड में एक बार फिर सड़क हादसा, दो की मौत। गढ़ थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में खड़े ट्रक से अनूपपुर से इलाहाबाद जा रही पच्छी ट्रेवल्स की बस टकराई, मौके पर ही दो लोगों की हुई मौत, छह से सात लोग गंभीर घायल। घायलों को लाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल। अस्पताल के सर्जिकल मेडिकल ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती करके इन घायलों का उपचार किया जा रहा है। अभी दीपावली के पहले धनतेरस के दिन इसी सड़क पर बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें केबिन में मौजूद सभी 15 लोगों की मौत हो गई थी। केबिन पूरी तरीके से खत्म हो गया था। इस हादसे में भी कुछ ऐसा ही हुआ, चालक की मौत हो गई। माना जा सकता है शादी बारात का समय नहीं, इसलिए बस में भीड़ कम, केबिन में लोग नहीं रहे होंगे, अन्यथा ये हादसा भी काफी बड़ा साबित होता। साफ तौर से देखा जा सकता है बस के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ये बस अनूपपुर से प्रयागराज जा रही थी। एक्सीडेंट गढ़ थाना के टिकरी के पास हुआ, जबकि धनतेरस के दिन इसी सड़क पर सुहागी पहाड़ में इसी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें तेज रफ्तार बस ट्रेलर से जाकर भिड़ गई थी। उस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में फिलहाल दो लोगों की मौत हुई है, एक यात्री और एक चालक की। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। माना जा रहा है बस की रफ्तार काफ़ी तेज रही होगी, उसी दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई होगी। लगभग 3 से 4 बजे के बीच ये हादसा हुआ, बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। चालक को बस से कूदने का मौका भी नहीं मिला, उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस बारे में हमने रीवा के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से बात की, उनका भी साफ तौर से कहना था दो लोगों की मौत हुई है, बाकी लोगों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं एडिशनल एसपी अनिल सोनकर इस एक्सीडेंट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। पक्षीराज बस शहडोल से प्रयागराज जा रही थी, आज सुबह 3:30 को एक्सीडेंट हो गया। बस का ट्रक से भिड़ंत हो गया, जिसमें चालक मौके पर ही एक्सपायर कर गया और एक यात्री की भी घटनास्थल पर मृत्यु हुई। लगभग 25 लोग इस दुर्घटना से घायल हुए थे। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय घटनास्थल पहुँचे थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल SGMS सभी को अलर्ट पोजीशन पर रखा गया था। डॉक्टरों की टीम और उनके एसोसिएट सभी उपस्थित थे। मैं स्वयं SGMS में अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ में डॉक्टरों की टीम में घटनास्थल से आए घायलों की उपचार व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यहाँ पे 7 लोग लाए गए थे SGMS में, जिसमें 2 लोग गंभीर हैं, शेष लोगों का उपचार चल रहा है, वो साधारण किस्म की उनको चोटें हैं। बाकी जो घायल थे उनको ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। सभी लोगों की इस तक जानकारी एकत्र की जा रही है और उनके सहयोग के साथ ही नहीं है उनके घरों में भी सूचित किया जा रहा है। सर घटना कारण क्या बताया गया? अभी जो है जो जानकारी जितनी प्राप्त हुई थी वो हमने आपको शेयर की है और शेष जानकारी कितने लोग खत्म हुए हैं आपको शेयर की है। कितने लोग खत्म हुए हैं सर? 2 व्यक्ति खत्म हुए हैं, एक चालक है और एक यात्री। नई और ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।